इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है, अर्थात जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष आदर सूचक के रूप में भी किया जाता है, जैसे आप कब आए। यहाँ पर ये मध्यम पुरुष आदर सूचक है। आप सुरेश के पिता हैं, यहाँ पर यह अन्य पुरुष आदर सूचक है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के साथ कारक चिन्हों के प्रयोग से उनके रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। इनके विषय में चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।